हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो है अबाउट लुईस एसिड एंड लुईस बेस। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि वेदर द गिवन मॉलिक्यूल इज अ लुईस एसिड और लुईस बेस। तो आज मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे भी किसी भी लुईस बेस या एसिड को आप कैसे पहचान सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, एक तरफ मैं लिख रही हूँ लुईस एसिड और एक तरफ लिख रहे हैं लुईस बेस, है ना। तो लुईस एसिड कैसे पहचानेंगे और लुईस बेस कैसे पहचानेंगे, पहले मैं बेस बता देती हूँ। बेस पहले लिखते हैं, तो लुईस बेस एंड लुईस एसिड। बहुत आसान है, पर कॉपी पेन लेके बैठना जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ और ध्यान से देखना। ओके, देखो, लुईस बेस होने के लिए दो चीज़ें हैं। पहली, या तो उसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, है ना। तो पहली कंडीशन है, मतलब पहला टाइप कह लीजिए आप या कंडीशन कह लीजिए, सेंट्रल एटम शुड कंटेन लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए। कितने लोन पेयर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो तीन चार, दैट इज अ मैटर। मैटर है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं। तो सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो हमेशा लुईस बेस होगा, ठीक है। देखो, क्योंकि लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, और डोनेट आप तभी कर सकते हो ना जब आपके पास कोई चीज़ खुद है, तभी तो आप डोनेट करोगे। तो लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, LP मतलब लोन पेयर, और लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल एटम के बाद लोन पेयर होना चाहिए। देखो, यूजुअली नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इन ये लोग अमीर होते हैं, बाय अमीर आई मीन कि इनके पास लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड ना लुईस बेस लुईस एसिड होंगे। कौन कौन से बताए मैंने, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल। ओके, एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है वाटर, वाटर में सी यू हैव टू ओनली चेक द सेंट्रल एटम, सिर्फ सेंट्रल एटम पे फोकस कर रहा है। सेंट्रल एटम वो होता है जो बाकी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, साइड वाले एटम, उसके साइड में एटम होते हैं। जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, है ना। या NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसके पास भी लोन पेयर है। या फिर एल्कोहल ROH, जिसमें ऑक्सीजन के पास सेंट्रल एटम है और लोन पेयर है। RNH2 अमाइन बोलते हैं इसको, इसमें भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। तो ये एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, नाउ दूसरी कैटेगरी आपके पास, जिसमें जितने भी एनायन होंगे, यानी कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, ऑल एनायन इस कैटेगरी में आएंगे। तो लुईस बेस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए न्यूट्रल में अगर आप बात कर रहे हो तो, या फिर जितने भी एनायन इसमें आएंगे, जैसे Cl नेगेटिव, H नेगेटिव, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, एसेट्रा। तो याद रहेगा, लुईस बेस होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, मतलब दो कंडीशन ही, दो एग्जांपल हैं इसमें। नाउ अब बात आती है लुईस एसिड की। देखिए, लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इसमें पहली कैटेगरी वो आएगी ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जिसका। तो सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहते हैं। अब हमें क्या पता कि सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कम्प्लीट है कि नहीं, तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। क्या, देखो, इस कैटेगरी में ना वो मॉलिक्यूल आएंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आएंगे जो जिनमें सेंट्रल एटम या तो बेरिलियम होगा या एल्यूमिनियम होगा या मैग्नीशियम होगा या बोरोन होगा। पहले मैं बोरोन लिख देती हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये इस कैटेगरी में आते हैं। जितने भी कंपाउंड बनाएंगे ना, ये सारे जो हैं लुईस एसिड होंगे। जैसे एग्जांपल है BF3, AlCl3, MgCl2, BeCl2। आप नोटिस करेंगे कि सब में सेंट्रल एटम वही है जो मैंने लिखा है, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो इसके कंपाउंड हमेशा लुईस एसिड बिहेव करेंगे, याद रहेगा। तो अमीर कौन है, लुईस बेस कौन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन टाइप के जिनमें सेंट्रल एटम होता है, और भी हो सकते हैं, मैंने यही लिखे हैं वैसे, और सेंट्रल लुईस एसिड हो सकते हैं जिनमें सेंट्रल एटम ये हो न्यूट्रल में। ये तो हो गया न्यूट्रल की बात, ये दोनों कैटेगरी न्यूट्रल की। ओके, इसके अलावा एक और टाइप होता है, जैसे जितने भी कैटायन होंगे, ऑल कैटायंस, यूजुअली एच पॉजिटिव और सिल्वर पॉजिटिव आ सकते हैं इसमें, ऑल कैटायंस। वैसे इसके एग्जांपल होंगे जैसे एच पॉजिटिव, ये अच्छे लुईस एसिड हैं, Ag पॉजिटिव, एसेट्रा।
नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है कि सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने चाहिए. द सेंट्रल एटम कंटेन एम्प्टी डी. एम्प्टी डी ऑर्बिटल. अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है कि नहीं है? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. क्या? देखो, जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे यूजुअली, जैसे थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक में आएंगे, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम थर्ड पीरियड में नहीं है, पर चलो ये सारे जो हैं उनके पास एम्प्टी डी होंगे. तो कौन कौन से? फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिनियम, जर्मेनियम, सिलिकन, ये इस कैटेगरी में आएंगे. ओके, जैसे PCl5, PCl3, सेंट्रल एटम ऐसा होना चाहिए, PCl5, PCl3, SF4, SiCl4, etc. ओके, और लास्ट कैटेगरी आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बना रहा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, etc. ओके, तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है. ओके, बेसिकली इसमें मेजर जो टाइप है ना आपको याद, मतलब वैसे तो सभी याद रखनी है, पर फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि न्यूट्रल में लुईस बेस होने के लिए सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए. जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गए, उनके पास सेंट्रल एटम या लोन पेयर है. और लुईस एसिड होने के लिए न्यूट्रल में सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल यूजली बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम होगा. ओके, तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना क्योंकि याद भी आपको रखना है साथ साथ. और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच.